तो भाइयों वेलकम बैक टू दी चैनल। मेरा नाम सत्यनारायण। देखो अभी तो देखो गर्मियाँ स्टार्ट होने वाली है। देखिए यार अपनी महिंद्रा बोलेरो के अंदर बताऊँ तो आपको देखो क्या ही हो रहा है। देखो एसी के मामले में तो भाई महिंद्रा बोलेरो देखो जितना पावरफुल इंजन देखने को मिलता है ना, बट यार जितनी होनी चाहिए ना अपनी गाड़ी के अंदर। देखो अभी अपनी गाड़ी के अंदर 2.5 लीटर डीजल इंजन देखने को मिलता है। सो अभी यार आपको बताऊँ तो अपनी गाड़ी के अंदर देखना उसी हिसाब से देखो एसी पावरफुल होना चाहिए, बट जो यार एसी दे रखी है ना अपनी गाड़ी के अंदर जो कि यार काफ़ी ज़्यादा कम देखने के लिए मिल जाती है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा कम। मतलब यार इंजन तो काफ़ी ज़्यादा भारी देखने के लिए मिल जाता है, बट जो यार एसी का इनका आज देखो अभी जो गर्मी स्टार्ट होने वाली है ना, गर्मियाँ स्टार्ट होने वाली हैं जस्ट अभी थोड़े दिनों में, बट यार जो अपनी गाड़ी के अंदर एसी दे रखा ना तो यार इंजन वाइज तो यार अपनी गाड़ी के अंदर काफ़ी ज़्यादा बेकार एसी है। देखो आपको बताऊँ तो महिंद्रा बोलेरो में भाई सबसे बेकार एसी देखने को मिलता है। यार मैं एक चीज़ तो नोटिस किया हूँ, देखो जितनी आप जितनी भारी गाड़ियों की तरफ जाओगे ना, तो जैसे कि यार आप फॉर्चुनर में तो इनमें मैं देखो बता नहीं रहा आपको, देखो ये वो तो काफ़ी ज़्यादा भारी है और काफ़ी ज़्यादा फीचर वाइज भी काफ़ी ज़्यादा बेटर है। तो अभी अपनी महिंद्रा बोलेरो के अंदर जाता हूँ तो यार इंजन देखो 2.5 लीटर है डीजल टर्बो इंजन देखने को मिल जाता था 2016 तक। तो यार अभी आपको बताऊँ तो यार 2016 तक 2.5 लीटर डीजल इंजन तो देखने को मिल जाता था, बट यार जो इसके अंदर एसी की मतलब एसी बढ़िया नहीं देखने को मिलती। मतलब एसी कंप्रेसर से रिलेटेड ले लो या फिर आप एसी ले लो, आप तो एसी समझ लो एक बार कि एसी इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा मतलब कि यार बेकार देखने को मिल जाता है। मतलब कि यार आप इसको चलाओगे तो फिर वो फैन बेल्ट की आओ नॉइस आने लग जाती है, पता नहीं कई है अपनी गाड़ी के अंदर तो पता नहीं, ये पहले ही मना कर देती है। मतलब कि यार आपको ऐसे पहले ही सजेस्ट कर देगी कि यार आपको भाई एसी मत चलाओ, बस की बात नहीं अपनी गाड़ी की। हालांकि इसके अंदर कंप्रेसर भाई है ही डालना चाहिए था अपनी महिंद्रा बोलेरो जो बोलेरो के अंदर जो कि यार काफ़ी ज़्यादा कम डाल रखा है अपनी गाड़ी के अंदर आपको बताऊँ तो। अब यार आप एसी का यूज़ में भी लोगे तो यार काफ़ी ज़्यादा आपको मतलब ऐसा फील नहीं आने वाला है कि यार आप ही एसी ऑन कर रखे हो, खामा का आपका डीजल ही वेस्ट जाने वाला है, क्योंकि यार इसके अंदर एसी ही काफ़ी ज़्यादा बेकार देखने को मिल जाता है। जो कि यार अभी काफ़ी ज़्यादा बेकार क्वालिटी का देखने को मिल जाता है अपनी गाड़ी के अंदर एसी। जो कि यार आपको बताऊँ तो अब यार इसके अंदर देखो एसी की जो स्विचेस दे रखे हैं ना अपनी गाड़ी के अंदर, देखना अभी स्विचेस है ये देखना अपनी गाड़ी के अंदर, नहीं तो ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल देखने को मिलता है, नहीं देखना अभी ये अपना एसी का मतलब इधर आप इधर सोच रहे होंगे कि एसी का स्विच कहाँ पर है भाई, एसी का नोब है इसी के अंदर आपको स्विच देखने को मिलता है। जो कि यार अभी आपको ऑन करके बता देता हूँ एक बार को, आप अगर आप अपने चैनल पर आप नए हो तो यार सबसे पहले यार अपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना, देना भी आपको बताता हूँ देखो किस प्रकार से मतलब एसी का स्विच देखने के लिए मिल जाता है। देखना एक बार ऑन करना पड़ता है, मेरे को ऐसा लगता है देखना अभी इसको जैसे ही उनको दुकान तो इससे क्या है ये भाई है इस पर क्या है ग्रीन लाइट से ब्लिंक करने लग जाती है जो कि यार आप देख रहे होंगे। बट जो यार इसके अंदर अभी ये दे रखा है मतलब डिफरेंट डिफोकर का दे फ्रंट डिफोकर तो भाई नाम का ही है, कुछ भी काम करिए जो इसके अंदर अलग से मतलब वोट एसी का दे रखा है ना जो कि यार अलग से स्विच है ना, इसके अंदर जो नोब आती है ना, बट यार ये तो पहले से टूटी हुई थी, कोई नहीं यार मैं भी आज दिन तक नहीं देखा इस नोब को। अभी यार इसके अंदर देखो ऑन ऑफ का है ये सिस्टम, देखो ऑन ऑफ कि देखो ये ऑन हो गई एसी कैसे हो गई, यहाँ से ऑन हो जाती है देखो एसी, बट जो ये अभी देखो उधर उधर की तरफ तो ऑन होगी इधर की तरफ ऑफ होगी, ये इसका स्विच है ऑन ऑफ को पता नहीं कई देर का अपनी गाड़ी के अंदर। बट जो यार एसी चलती है ना इसके अंदर मैं नहीं तो इतनी चिल्ड कर पाती है ना ही और कुछ, बट बस नाम के सिवा इसके अंदर कुछ भी नहीं भाई, एसी नाम की दे रखी है अपनी गाड़ी के अंदर। अभी आप देखो अभी अपनी एल्टो की तरफ जाते हैं तो वही वो इतना जल्दी मतलब गाड़ी को इतना जल्दी ठंडा कर देते हैं जो कि यार क्या ही बताऊँ आपको। एक बार आप बैठ के देख लेना आपके पास कोई नज़दीक पे हो नज़दीक तो पड़ोस में हो किसी के पास एल्टो तो एक बार देख लेना उसके अंदर एसी क्या ही है एज कम्पेयर देन एल्टो, तो भाई इसके अंदर तो कुछ भी नहीं है भाई, एसी नाम की भी नहीं है भाई। अभी देखो ब्लोअर की स्पीड भी काफ़ी ज़्यादा कम देखने को मिलती है जो कि यार आप देख रहे होंगे भाई, फ्रंट वाले तक भी मतलब अच्छे से नहीं आ पाती अपनी गाड़ी के अंदर ब्लोअर की हवा, जो कि यार ये एसी की क्या देगी हवा, मैं तो क्या ही उम्मीद करके चलूँ। एसी की तो क्या ही देगी मतलब फ्रंट वाले पीछे वाले की तो मैं उम्मीद ही नहीं कर सकता भाई इसके अंदर पीछे वाले की भी। अब देखना फ्रंट की स्पीड बता देता हूँ आपको मतलब कि यार एक नंबर में मतलब किस प्रकार से चल रही है अपनी गाड़ी में देखना अभी। अब इसको मैं दो नंबर पे ही बताता हूँ आपको एक बार, सारों में देख लो एक बार किस प्रकार से मतलब यार काफ़ी ज़्यादा मेरे को यहाँ से फील नहीं हो रहा कि मतलब ये ब्लोअर चल रहा भी है या नहीं। अभी देखना सेकंड स्पीड पे थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि अब चला है ब्लोअर,
ये इसकी मतलब कि यार नॉर्मल स्पीड रहनी चाहिए थी, मतलब कि यार एक नंबर पर ये रहना चाहिए था जो कि यार दो नंबर पर है एट परसेंट टाइम में, बट कोई नहीं यार, अभी तीन नंबर बताऊंगा तो यार वो काफ़ी ज़्यादा मैं ऐसा लगेगा कि भाई ये दो नंबर पर ही होने चाहिए था। बट यार अपनी गाड़ी के अंदर देखो, मैंने पहले ही बताया कि अपने पीछे जो बूट के अंदर मतलब ऊपर की तरफ दे रखा है ना, मतलब यार पीछे की तरफ ऊपर से मतलब दो साइड दो दे रखे हैं, मतलब कि एक यहाँ से ये रखे उस साइड से, मतलब वो कुछ भी नहीं है भाई, एसी वाले भी नहीं है ना ये स्पीकर से ना ही और कुछ, वो अपनी गाड़ी के अंदर वेंटिलेशन के लिए ही बनाए गए हैं ओनली, जो कि यार काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है भाई। एसी बिना तो फिर भी काम चल रहा है, बट जो वेंटिलेशन है ना वो ही काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है अपनी गाड़ी का, जो कि यार होना चाहिए देखो। और आखिर में अपनी गाड़ी 7 सीटर भी है, और मैं तो यही सजेस्ट करता हूँ भाई 7 सीटर के अंदर तो क्या ही, 7 सीटर के अंदर तो कंपलसरी है जो है, पर 5 सीटर के अंदर भी देना चाहिए देखो सभी गाड़ी के अंदर, जो कि यार महिंद्रा बोलेरो के अंदर अभी कंपनी दे रखी है, जो कि यार काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। अभी जो अपनी गाड़ी के अंदर एसी है ना, जो उसकी देखो पीछे ना ही तो रियर सीट वालों के लिए कुछ दे रखा है, ना ही पीछे जो बूट वाली सीट है ना अपनी गाड़ी के अंदर यानी दो, ना ही उनके लिए कुछ दे रखा है भाई। थोड़ा बहुत तो सोचते हैं जैसे कि यार आप टाटा सफारी की तरफ जाओगे या और किसी की तरफ जाओगे तो मतलब यार हर सीट के लिए अलग अलग दे रखा है, बताओ यार। अभी आप ऐसे सोच रहे होंगे कि भाई ऐसा कोई महिंद्रा ही करे क्या, महिंद्रा तो ना करेगा भाई, पहले से बहुत सी गाड़ियाँ थी, मतलब क्या टाटा सफारी से रिलेटेड ले लो या फिर और किसी इनोवा से रिलेटेड ले लो, टवेरा से रिलेटेड ले लो, भाई बहुत सी गाड़ी आती है, जैसे कि यार अभी क्या ही बताऊँ यार आपको, महिंद्रा जो अभी देखो महिंद्रा को भी देखो 7 सीटर गाड़ी निकाल रखा है, तो भाई थोड़ा सा एसी का भी अच्छे से मतलब जुगाड़ करने चाहिए तरह अपनी गाड़ी के अंदर, जो कि यार फ्रंट वालों के लिए मान लो भी चल जाएगा काम, बट जो रियर वालों के लिए जो भी सेंटर के अंदर बैठता है ना, मतलब कि यार यहाँ पर बैठता है ना उसके लिए भी अच्छा हो जाता है, बट जो ड्राइवर सीट के पीछे बैठता है या फिर पैसेंजर साइड सीट के पीछे बैठता है जस्ट, तो उनके लिए तो भाई ब्लोर की स्पीड तो क्या ही आप बताया ना अभी, जैसे कि यार अभी देखो तीन नंबर पर है ये, नहीं इतनी ज़्यादा भी नहीं है कि मतलब कि यार पीछे तक पहुँच जाए आराम से, काफ़ी ज़्यादा कम देखने की मिलती है, जो कि यार अगर इसको महिंद्रा देखो या तो इसके अंदर एक तो ऐसे कंप्रेसर को थोड़ा सा इम्प्रूव करे दे कि यार अभी जो महिंद्रा बोलेरो आ रही है 2023 के अंदर कई क्या पता उसके अंदर कर दे, बट कोई नहीं अभी तो अपन यही लेके चल रहे हैं। अभी तो महिंद्रा ने देखो ये स्टीरियो अपग्रेड किया अपनी गाड़ी के अंदर, पहले तो क्या था कि ये महिंद्रा का कैनवुड के अंदर आता था, जो कि यार इसके अंदर सिंगल ऑक्स आती था, ये AUX केबल का आता था, फिर क्या इसने अपग्रेड कर फिर वो किया था USB वाला किया था, देन अपग्रेड कर अब बोलो और पूरा कंप्रेसर लगता है कि जैसे यार जैसे कि आप बेस मॉडल नहीं लेते क्या i10 का, इनका उनके अंदर वो बटन वाला अजीब सा ही आता है, उस प्रकार से अभी महिंद्रा बोलेरो के अंदर भी आने लग गया, ये तो मेरे को काफ़ी अच्छी बात लगी, क्योंकि यार बेस मॉडल वाला तो टॉप मॉडल के अंदर देखने के लिए मिल रहा है, तो काफ़ी अच्छी बात लगी मेरे को तो। बट यार जो अपनी गाड़ी के अंदर महिंद्रा बोलेरो के अंदर जो AC का दे रखा है ना, जो कि यार उसको भी थोड़ा अपग्रेड करते तो यार काफ़ी ज़्यादा मतलब मज़ा आ जाएगा गर्मी के अंदर, बट जो यार अपनी गाड़ी के अंदर इंजन हैवी दे रखा है तो उस हिसाब से गाड़ी के अंदर AC भी थोड़ा सा हैवी होना चाहिए। तो देखो यार अब यार आप अभी मैं बताया ना एज़ कम्पेयर देन एल्टो, तो यार एल्टो कहाँ पर है, बोलेरो कहाँ पर है, एल्टो कहाँ पर 4 लाख की आती थी पहले, आज ये 12.5 लाख की आ रही है, बताऊँ मतलब कितने गुना हो गए, मतलब यार 3 गुना ज़्यादा भाई। ऐसे तो कोई ऐसे तो भाई डंकी दे देता अपनी गाड़ी के अंदर, जो कि यार काफ़ी ज़्यादा बेटर रहता हाल फिलहाल में अपनी गाड़ी के अंदर। देखो यार ऐसी एक चीज़ है जो कि यार मतलब गर्मियों के अंदर काफ़ी ज़्यादा सहारा देती है मतलब बंदों को, जो कि यार अपनी गाड़ी के अंदर नहीं है, बट यार जो एवरेज के अंदर अभी अपन इसको यूज़ में भी लेंगे तो फिर भी यार एवरेज के अंदर काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, इम्पैक्ट भी पड़ेगा बट यार अपने को मज़ा भी नहीं आने वाला, क्योंकि यार अपनी गाड़ी की AC ही इसी प्रकार की देखने को मिलती है। बट कोई नहीं यार, बेसिकली देखो यार आज के लिए तो बस इतना ही था, वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, मिलता है अगली नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसी प्रकार के नए कंटेंट के साथ।